रविवार को बांग्लादेश के खिलाफ पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच से पहले अचानक ये खबर आई कि भारत के विकेटकीपर ऋषभ पंत इस पूरी सीरीज के लिए, जो एक दिवसीय सीरीज हो रही है, उसके लिए उपलब्ध नहीं है और वो इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। ये रहस्यमय एग्जिट क्यों हुई, ये किसी को उस वक्त पता नहीं चला। हालांकि बाद में ये कहा गया कि एक निगल है, बीसीसीआई की तरफ से एक ट्वीट भी आया, लेकिन ये कुछ समझ में आया नहीं। क्या है इसकी असली वजह? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। ऋषभ पंत ओडीआई सीरीज से, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ खेली जा रही है, उससे क्यों बाहर हुए, ये समझना जो है वो मुश्किल है। अगर हम बात करें तो बीसीसीआई ने एक ट्वीट किया और अगर उसे मैं पढ़ के आपको सुनाऊं तो बीसीसीआई ने कहा कि इन कंसल्टेशन विद द बीसीसीआई मेडिकल टीम, ऋषभ पंत हैज बीन रिलीज्ड फ्रॉम द ओडीआई स्क्वाड, ही विल ज्वाइन द टीम अहेड ऑफ द टेस्ट सीरीज, नो रिप्लेसमेंट हैज बीन साउट। मतलब उन्होंने ये कहा कि मेडिकल टीम के साथ, बीसीसीआई की मेडिकल टीम के साथ कंसल्टेशन के आधार पर ऋषभ पंत को इस सीरीज से रिलीज कर दिया गया है। तो क्या ऋषभ पंत न्यूजीलैंड से चोटिल थे या यहां आकर चोटिल हुए? क्योंकि बांग्लादेश में उन्होंने बाहर होने से पहले नेट्स पर बैटिंग भी की है। यह बड़ा ही चौंकाने वाला था। केएल राहुल से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसकी मुझे मुकम्मल जानकारी नहीं है और मुझे ड्रेसिंग रूम में पता चला कि ऋषभ पंत हिस्सा नहीं होंगे इस सीरीज के। अब ये बताइए कि ऋषभ पंत भारतीय टीम के विकेटकीपर हैं और केएल राहुल भारतीय क्रिकेट टीम के उपकप्तान हैं, मतलब जो टीम मैनेजमेंट दौरे पर होती है उसका हिस्सा है केएल राहुल, और केएल राहुल को पता ही नहीं है कि किस वजह से ऋषभ पंत बाहर हुए हैं इस दौरे से। तो क्या ऋषभ पंत को रेस्ट दिया गया? सुनने में यह आ रहा है और जो खबर आ रही है कि ऋषभ पंत ने बांग्लादेश में कप्तान और कोच से कहा, मतलब रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ से कहा कि वो उन्हें इस ओडीआई सीरीज से रिलीज कर दें और जब टेस्ट मैचों की जो सीरीज होगी उसमें वो वापस आ जाएंगे। अगर ये बात है और अगर ये खबर सही है जो खबरें आ रही है, तो फिर बीसीसीआई ने ये ट्वीट कर लोगों को गलत जानकारी दी क्या कि बीसीसीआई मेडिकल टीम के सलाह के आधार पर ऋषभ पंत को रिलीज किया गया है? बात आखिर कौन सी सही है, यह प्रशंसकों के सामने आनी चाहिए। और टीम मैनेजमेंट में केएल राहुल को क्यों पता नहीं है, ये भी लोगों को समझना चाहिए कि आखिर यह कम्युनिकेशन गैप कहां पर है। क्या ऋषभ पंत ने रेस्ट मांगा और उन्हें रेस्ट नहीं मिला था इसलिए यहां आकर फिर वो वापस आ गए? ये सारे सवाल हैं जो मामले को और उलझा रहे हैं। फिलहाल उनकी रहस्यमय अनुपस्थिति, आप ये कह दें उनकी जो रहस्यमय रिलीज हुई है इस सीरीज से, वो चौंकाने वाली है और ये बताता है कि बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।